नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। देश में दुष्प्रचार का चलन बन गया है, विपक्ष हताशा से भरा हुआ है, हताश विपक्ष झूठ पर झूठ बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर बड़ा फैसला दिया है। ये बयान रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में दिया। रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा बीजेपी की पदयात्रा के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी राफेल डील को लेकर लगातार दुष्प्रचार में जुटे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा, राफेल डील पर राहुल देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर अपने निर्णय में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मनोज सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राफेल डील को लटकाए रखने के लिए यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि देश का एक परिवार खुद को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा समझता है। उन्होंने कहा कि बोफोर्स घोटाले की विरासत संभालने वालों की मानसिकता राफेल डील मुद्दे पर उजागर हो गई है। आप देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। इस देश में चलन है दुष्प्रचार का, और जो विपक्ष है वो हताश विपक्ष, हताशा से भरा हुआ विपक्ष, गलत आरोप झूठ पर झूठ बोलने का एक लंबा प्रयास कर रहा है। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला दिया है। राफेल की खरीद को लेकर के कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष श्री राहुल गांधी पिछले 3 महीने से लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, और उस दुष्प्रचार का शायद उन्हें थोड़ा लाभ भी मिला है विधानसभा के चुनाव में। लेकिन कल सर्वोच्च न्यायालय ने जो 3 आरोप लगाए गए थे राफेल की खरीद में, तीनों आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ सही कीमत पर और पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकार ने फैसला किया है। और ये भी प्रक्रिया दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, इस विमान की जरूरत थी देश को, वायुसेना को, तब जबकि हमारे दो दो पड़ोसी टेढ़ी निगाहों से हमको देखते हैं, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं, आप मेरा संकेत समझ रहे हैं, उनके पास ये तैयारी थी, इस तरह के विमान थे और हमारे देश के पास नहीं थे। 2006 से लेकर 2012 तक जिस यूपीए की सरकार ने इस सौदे को लटकाए रखा, उस पार्टी के लोग आरोप लगा रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कहना चाहता हूं, पिछले 4.5 वर्षों में ये पहला आरोप लगाने की कोशिश की थी, जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुझे लगता है कि स्पष्ट कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि आज एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा, एक भी भ्रष्टाचार का मामला हमारी सरकार पर नहीं लगा है। वहीं पिछली सरकार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब उन घटनाओं से वाकिफ हैं। थल हो, जल हो, नभ हो, भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है, और मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 2019 के लोकसभा का चुनाव निश्चित रूप से देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला है। अनेक छोटी मोटी खबरें जो आपको आती हैं, यकीन मानिए 50 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक देश में शासन किया, उस तंत्र का मुकाबला अगर करना है तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी को भी इतना मजबूत करना होगा, ताकि जैसा भारत हम बनाना चाहते हैं वैसे भारत के निर्माण में हम सब अपना योगदान कर सकें। देखिए, उस परिवार की मानसिकता का द्योतक है, सर्वोच्च न्यायालय से भी अपने को बड़े समझना, मैं समझता हूं कि वही लोग कर सकते हैं जिनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। जो 3 मुद्दे PIL में उठाए गए थे, तीनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट राय दी है, और मुझे लगता है कि जिनकी विरासत रही है बोफोर्स और क्वात्रोची की, वो इसी तरह की बात सोचते हैं।
देखिए, अधिकांश दलों से आप पिछले दिनों जो उनके स्टैंड रहे हैं उसका जरा मूल्यांकन करिए। जो लोग दूसरे देशों से आकर के इस देश के नागरिक बन गए हैं, और जब NRC की बात उठी तो कई जिम्मेदार पदों पर रहने वाले लोगों ने बयान दिया कि देश में बगावत हो जाएगी। तो अगर विदेशी आदमी आकर के भारत का नागरिक बनता है, इस पर भी हमारे देश के राजनेता इस तरह का बयान देते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये राष्ट्रद्रोह है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग इस देश की राजनीति में हैं, और देश उन्हें जानता है, और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।